तो जी जैसा कि आपको बता दे, कल है गणेश चतुर्थी और आप देख सकते हैं इस रोड पे रेलिंग भी लग चुकी है। बाकी गाड़ियाँ अंदर जाना बंद हो चुकी है, गाड़ियाँ सिर्फ इधर ही खड़ी मिलेगी आपको। तो सामने आपको फ्लैग दिख रहे होंगे, वही है मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, जो कि अराउंड 250 साल पुराना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे और करवाते हैं आपको गणेश जी के दर्शन, बढ़िया वाले दर्शन करवाएंगे। और फिर कल क्या है कि कल है ना लाखों में लोग आते हैं, तो इसीलिए तो जी देख सकते हो आप इस तरफ लेफ्ट और राइट साइड में शॉप मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आपको प्रसाद, नारियल, माला और इस तरफ आपको मिल जाएगी। ये रेलिंग आज रात तक फिट हो जाएगी और कल इसी लाइन के अंदर आपको श्रद्धालु मिलेंगे दर्शन करने के लिए। तो जी ये है गणेश जी का मंदिर, देख सकते हो आप सामने की तरफ, और इस तरफ आपको मिलेगा हनुमान जी का मंदिर और माता शेरावाली का मंदिर भी है। एक बार आपको दिखा देता हूँ अंदर ही जा कर के। सबसे पहले जाएंगे हम गणेश जी के मंदिर में। तो जी अब जाएंगे हम मंदिर के अंदर, बाकी आपको काफ़ी शोर आ रहा होगा बट ठीक है। तो वो सामने आप देख सकते हो वो है शिव मंदिर, जो कि सिर्फ शिवरात्रि में ही खुलता है, साल में एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हो नई गाड़ियों जो होती है उसकी पूजा के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। उसके अलावा ये जो रास्ता ये है बिरला मंदिर के लिए, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो जी सामने आप देख सकते हैं बिरला मंदिर, कॉपीराइट आएगा। और बाकी आज मौसम सही हो गया। तो बिरला मंदिर जो है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि हम आपको दिखा पाएंगे या नहीं, उनके दर्शन करा पाएंगे या नहीं। बाकी आप देख सकते हो गार्ड खड़े, तो वो मना करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, बट ठीक है जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाना है। तो जी थोड़ा सा रिस्क ले लिया है और आपको एक बार मंदिर के दर्शन भी करा देता हूँ भगवान के, श्री लक्ष्मी नारायण जी के। Thank you.
Thank you.